जबलपुर में माड़ोताल पुलिस ने अवैध तरीके से डीजल का परिवहन करते एक टैंकर जब्त किया। पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहां से लाया, किसका है, इस संबंध में उसने कोई जानकारी नहीं दी, ना ही कोई दस्तावेज उसने प्रस्तुत किए मौके पर। इस संबंध में फिर धारा 285 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है दोनों के खिलाफ और डीजल गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में खाद्य विभाग को भी सूचना दी गई है। खाद्य विभाग की टीम भी इसमें कार्रवाई कर रही है। अभी पूछताछ में प्रथम दृष्टया वाहन चालक ने रिलायंस पेट्रोलियम से डीजल लाना बताया है। इसमें इस संबंध में भी जाँच की जा रही है। खाद्य विभाग को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। परीक्षण कराया जा रहा है कि वास्तव में इस टैंकर के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है डीजल ही है या अन्य कुछ और भी है।